स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थो इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे ऑर्थो इफेक्ट्स जो आपके जेई मेंस और आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज्यादातर आपके क्वेश्चन बेंजोइक एसिड और एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट को देखा जाता है ना। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस मिले और उसको उसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट हम लोग को देखना है। तो बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट के जो दो चीजें आती हैं, एक तो आपका आएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड में जल्दी ऑर्थो इफेक्ट देखा जाता है, और दूसरा आपका एनिलीन पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं ना। तो आज की सेशन हम लोग देखेंगे कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट किस तरह से काम करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं SIR, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिट रेजोनेंस, या फिर अगर हम लोग एनिलीन की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं SIP, ठीक है। SIP का मतलब हो गया कि स्टेरिक इनहिबिट ऑफ प्रोटीनेशन, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो है वो हमारा SIP, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि बेंजोइक एसिड हमारा कैसे इसमें काम करता है ऑर्थो इफेक्ट में। तो इसके अगर हम लोग बात करें बेंजोइक एसिड का, अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है COOH, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं COOH, और अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा बेसिकली होती क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे इन दोनों कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड में, तो सेकेंड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हमारी। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसको बनाएंगे, इसको हम लोग जब H+ में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा COO- में कन्वर्ट होता है, और ये हमारा क्या है CH3। अब इसका हम लोग स्पेशल अगर डायग्राम बनाएं, कुछ इस तरह के हमारा डायग्राम बनेगा, C डबल बॉन्ड O ऊपर माइनस, और ये हमारा है बल्कि CH3, ठीक है। तो CH3 हमारा क्या होता है, जल्दी आपका बल्कि ग्रुप होता है, स्पेशल ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। तो इसके कारण होता क्या है, इसके बल्किनेस के कारण, बल्किनेस के कारण ये बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है, इन दोनों बल्कि ग्रुप के कारण दोनों एक ही हमारे प्लेन में नहीं रहते हैं ना। ये जो अपना है COO- ये अपना प्लेन को चेंज कर लेता है ना, ये हमारा तो चेंज नहीं हो सकता, ये अपना प्लेन क्या है चेंज कर लेगा। तो कुछ अब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा इसको हम लोग बना लेते हैं, और ये हमारा बन गया CH3, अब ये हमारा बन गया COO। अब इसलिए होता क्या है कि अब इस वाले केस में जो हमारा अब कंजुगेशन होगा पाई सिग्मा और हमारा क्या डबल बॉन्ड वाला, तो कंजुगेशन या रेजोनेंस पहले हो रहा था इस वाले हमारे इसमें, ठीक है, पाई सिग्मा और हमारा कंजुगेशन जो हमारा रेजोनेंस हो रहा था, वो हमारा रेजोनेंस अब इस वाले में हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब इस वाले में हमारा रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो जो पहले वाले कंडीशन थी, ठीक है, जैसे COO- था, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारा कंजुगेशन हो रहा था, तो कंजुगेशन के कारण क्या है, ये CO- इस इलेक्ट्रॉन को हमारा एक तरफ से खींच रहा था, तो ये बेंजीन लेके हमारा माइनस आई इफेक्ट दे रहा था, और क्या यहाँ पर हमारा माइनस आई जो है वो हमारा ज्यादा हो रहा था जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन जबकि इस वाले केस में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब स्पेशली होगा क्या कि ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी क्या है, इसकी बढ़ जाएगी, और इसकी हमारी क्या एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी क्या है, अब घट जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अब जो COH ग्रुप था पहले वो हमारा क्या यहाँ पर माइनस आई की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो और किसी भी ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम लोग अब कोई भी बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ हमारी क्या है, एक तरफ से घट जाती है, ठीक है।